चले चले कितना ऊपर मोबाइल मत लीजिए बाबू चलिए वेट 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 सर वहाँ कर चले प्लीज सर प्लीज सर थैंक यू थैंक यू So, none other than, जो सबको पसंद आई थी बिग बॉस में जिनका इमोशन फेस हर किसी ने पसंद किया था एंड दैट इज द फेमस पर्सनालिटी ऑल ओवर द सपना चौधरी विद द नेम आई एम गोना अनाउंस फॉर जुबेर के खान एंड अंजू जाधव Okay, Anju will be there in a minute with us, but we can go on to the others, please. So let's welcome them with a round of applause here. Come on, everyone, please, thank you so much. With them, Vijay Singh, Anand Sharma, and Mr. Shaumik. Apologies for keeping you all waiting. We are really, really sorry. And without wasting any more time, let's just directly get into the question and answer. Please. Thank you so much. Idhar, Govind idhar la. Hello. Adi, baithne ke liye puchh raha. Yes, yes. काफी वक्त से यहाँ उन सब मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद है बहुत लेट आपकी तरफ से हो गया उस बात के लिए एतराज नहीं है और जब आप किसी कोई आपके घर आता है तो उसे पानी तो सर्व करा ही जाता है वो भी हमें करा नहीं गया जिसका बहुत खेत अरे प्रिया बैठो ऑटो की है क्या दादा मोबाइल वाले एक मिनट आप रुक जाओगे हम आपके लिए करवा देते हैं सेंटर में मत आओ रतन तू आगे जाके जगह लेना क्या रतन चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द कास्ट प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज जो हमारी चाइल्ड आर्टिस्ट है हमारे कास्ट के उन्होंने प्लीज स्टेज के सामने आ रहे हैं सामने बुलाना चाहूंगी हम लोग पीछे जाएंगे क्योंकि
ओके थैंक यू ऑल यू फोर फोर बच्चों को नहीं बच्चे लोगों में बाबा अरे फोन पीछे अरे रहते यार कबीर बस अंजू मैम नहीं तू भी यार फोन दे आ जी सपना जी यो सेंटर सेंटर मैडम जी सपना जी लोग सेंटर सेंटर में लुक फ्रॉम राइट साइड आदत लगा लेना लेफ्ट राइट का यो यो सेंटर प्लीज लेफ्ट टू राइट कर देना सेक्स नीचे हां चलिए सेंटर में देखिए सर थैंक यू सर आ जाओ ना अरे हाँ अभी बनाओ यस फ्रॉम जॉइंट क्लोज उनको भी ले लो बाइट के लिए बाइट अंजू इधर अंजू यो पिक्चर का नाम है दोस्ती के साइड इफेक्ट जो कि चार दोस्तों की कहानी है कि वो बहुत गहरे दोस्त होते हैं लेकिन दोस्ती के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो टिपिकल होती हैं काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पाती है काफ़ी चीज़ें हैं जो कोई भूल जाता है दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कोई दोस्त नहीं भूल पाता है तो दोस्तों की लाइफ स्टोरी आपका कोई खास दोस्त आपके है? मेरे दोस्त हाँ मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे मेरी माँ सपना जी आप काफ़ी समय से आप डांसिंग कर रही हैं बिग बॉस में गई मतलब नाम तो आपका काफ़ी पहले से ही है तो फिल्म में आना इतना देर क्यों हुआ क्या ऐसी वजह रही कि फिल्म आप फिल्म में आने के लिए खुद को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली भी फिजिकली भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एक्ट्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो कि मैंने देखा महसूस किया तो वो मेहनत कर रही थी तो बिग बॉस में आने से कुछ आसान हुआ काम एक्टिंग ऑफर्स मिलना नहीं ऐसा नहीं है एक्टिंग बहुत अलग दुनिया है और बिग बॉस बहुत अलग दुनिया है डांसिंग बहुत अलग दुनिया है तो और हर दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं किसी में सक्सेस मिलती है किसी में नहीं मिलती है लेकिन जहाँ मिले वहाँ भी खुश रहो जहाँ नहीं मिले वहाँ भी एक्टिंग को लेकर बॉलीवुड को लेकर क्या थॉट्स है अभी भी आपको आई थिंक अच्छा करूँगी बहुत अच्छा करूँगी और ऐसे फ्यूचर प्लान है आगे चल के और किस तरह के रोल आप करना चाहती हैं जो अभी तक ऑफर ना हो हाँ मुझे वैम का रोल करना है ओके आपने नेटफ्लिक्स मतलब सीक्रेट गेम्स और ये सब और डांसिंग भी कमाल करते हैं तो क्या लगता है कि मतलब जो इतनी एक्ट्रेस हैं बड़ी एक्ट्रेस हैं उनको भी डांसिंग करने में हेजिटेशन होता है मतलब डांसिंग करना इतना आसान नहीं होता है हाँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस पॉइंट है क्योंकि बस ये होगा कि मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हाँ लेकिन हो सकता है प्लस पॉइंट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं पब्लिक से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं देखूंगी आपकी बात तो मैं बहुत एक्साइटेड काफ़ी अलग होने वाला हाँ बहुत अलग थी मैं आपकी बात का और मेरे ख्याल से आधी ऑडियंस ही बिकॉज ऑफ सलमान उसे देखती है तो मैं भी बिकॉज ऑफ सलमान ही देखती हूँ और लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि अगर बॉलीवुड में आपको मिलते रहे ऑफर्स तो मतलब जो डांसिंग करियर है आपका मतलब जो हरियाणा का वो जो डांसिंग वहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगी या फिर नहीं नहीं वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ सर मैं अपनी मातृभूमि कभी नहीं छूटेगी और जिस नॉर्थ इंडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मेरे ख्याल से जब मेरी मौत हो जाएगी और मेरी अर्थी को निकाला जाएगा तो मेरी इच्छा ही ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया घुमाया जाए पहले उसे इस वजह से क्या कहना चाहेंगे और अपने बहुत अपने आप को स्लिम किया है मतलब आप इंफॉर्मेशन निकाल के ले आए
आई थिंक कि मैं अच्छा करूँगी, बस मैं यही कह सकती हूँ। हाँ, थोड़ी प्लस पॉइंट्स मेरे लिए हो जाएंगे कि शायद कैरेक्टर ऐसा हो जो मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ, तो थोड़े बहुत हैं जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और थोड़े बहुत ये भी हैं जो मेरे लिए माइनस पॉइंट है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो अपने आप को फिजिकली मेंटेन करना बहुत बहुत माइनस पॉइंट है सर, मतलब पूछो मत आप। बिपाशा बासु ने कॉर्पोरेट में रोल किया था, हाँ, आपने बिजनेस वुमन बनी थी और कंपैरिजन भी होगा, हाँ, क्या इस बात के लिए तैयार है कि उनका टॉप कंपैरिजन होता था? अब आई थिंक मेरा मानना ये है कि बिपाशा बासु ही रह सकती हैं और सपना सपना ही रह सकती है, तो किसी को किसी से कंपेयर करना फालतू की बात है। फालतू की नोट पे बात खत्म। विजुअल पकड़े रखना है। बस क्या नाम है? थैंक यू।